अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम ICS पार्ट टू यानी सेकेंड ईयर क्लास जो है उस कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के साथ जो पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए चैप्टर नंबर टू जो है वो पढ़ने लगे हैं, जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ द डेटा बेसिस। ये बेसिकली इसका चैप्टर नंबर वन जो है वो भी डेटा बेसिस से रिलेटेड है। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि डेटा बेसिस के अंदर यूज होते हैं, तो उनका जो है वो बहुत डिटेल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। वो आप हमारे चैनल के जो प्लेलिस्ट है 12th क्लास कंप्यूटर साइंस के फोल्डर में देख सकते हैं, और उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। आज हमने स्टार्ट करना है सेकंड चैप्टर, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, डेटाबेसिस में यूज होंगी, और उसके बाद जो है जिसको हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर इम्प्लीमेंट भी करेंगे, डेटाबेस बनाएंगे बाकायदा, और आपको जो है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी करवाई जाएगी। इस लेक्चर्स के अंदर हमने जो है वो डिस्कशन की थी फाइल्स रिकॉर्ड्स के ऊपर बहुत डिटेल के साथ। इनफैक्ट जो कॉन्सेप्ट है डेटाबेसिस का वो इवॉल्व हुआ है ओल्ड ट्रेडिशनल वर्किंग ऑफ द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से, यानी जिस तरह से हमारी मैनुअल फाइल्स जो है ट्रेडिशनल तरीके से वर्कआउट करते हैं, हर जो है मरीज की सेपरेट फाइल बनती है, रिकॉर्ड बनता है, इसी तरह से उसी कॉन्सेप्ट को लेके जो है ये टेक्नोलॉजी के तरीके से जब हमने यूज किया तो वो डेटाबेसिस कहलाया। इसमें आपको बताते हैं कि जी ये जो है डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती हैं एक एम्प्लॉय के मुतालिक या एक मरीज के मुतालिक या एक स्टूडेंट के मुतालिक, यानी जो भी एंटिटी आप ले रहे हो, मरीज ले रहे हो या स्टूडेंट ले रहे हो या एम्प्लॉय ले रहे हो, उसकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, ग्रेड उसका, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, क्वालिफिकेशन एंड सो ऑन, ये तमाम जो है ये क्या कहलाती हैं, ये फील्ड्स कहलाती हैं, ये उनकी वैल्यूज हैं इन्हीं फील्ड्स की। इस तरह से जब इनको कम्बिनेशन इनका बन जाता है रिलेटेड फील्ड्स का तो वो एक रिकॉर्ड कहलाता है। तो ये सेकेंड एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हो गया, ये थर्ड एम्प्लॉय का जो है वो रिकॉर्ड हो गया। जब इन तीनों को जो है रिलेटेड रिकॉर्ड्स को मिला दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगी, वो फाइल कहलाएगी, राइट। इसको हमने बहुत डिटेल से जो है प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया हुआ है। अब इसमें जो मेन बात है वो क्या है कि ये जो फील्ड्स के नाम है या जो फाइल का नेम है वो सारे क्या होने चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए नेम, और जितने भी फील्ड नेम है हर रिकॉर्ड के वो यूनिक और मीनिंगफुल होने चाहिए। कि अब जैसे एम्प्लॉय नंबर है यहाँ पे, यानी अगर हमने किसी भी एम्प्लॉय का नंबर ऐड करना है अपनी फाइल के अंदर तो उसका जो नाम है एम्प्लॉय नंबर वो भी जो है मीनिंगफुल होगा, तो पता चलेगा कि इस फील्ड के अंदर जो है वो वैल्यू 0001 वो किस चीज की पड़ी हुई है। या अगर हमने एम्प्लॉय का नाम सेव करना है, जैसे यहाँ मदिहा जाफरी लिखा हुआ है, तो इसका जो ये कैप्शन होगी वो मीनिंगफुल होगी तो हमें पता चलेगा। अगर ये हम एम्प्लॉय नेम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ खाली नेम लिख देंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एम्प्लॉय का अपना नाम है, उसकी मदर का नाम है या उसकी सिस्टर का नाम है। इसलिए जो है वो मीनिंगफुल हमने नेम क्या रखा, एम्प्लॉय नेम। सिक्स के सिक्स नाम जो है वो यूनिक है, ऐसा नहीं हो सकता कि इस फील्ड का नाम भी एम्प्लॉय नंबर हो और इस फील्ड का नाम भी एम्प्लॉय नंबर हो। दो जो है वो फील्ड के नाम सेम नहीं हो सकते, यूनिक होंगे, सेपरेट होंगे, दैट्स वाई कहा गया कि ये यूनिक और जो है वो मीनिंगफुल होने चाहिए, राइट। उसके बाद उसने क्या कहा कि जी कैन गिव द फॉलोइंग नेम टू अबव मेंशन फाइल एंड इट्स रिकॉर्ड्स फील्ड, और जो फाइल का नाम है वो भी मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल कैसे, अब जैसे ये एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड था, ने उसका नाम क्या रखा, एम बायो इन्फो, यानी एम्प्लॉय की बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन, उसका हमने शॉर्ट करके ये नेम। अगर हम स्टूडेंट की लेंगे तो हम उसको रखेंगे स्टूडेंट इन्फो, अगर हम किसी पेशेंट की लेंगे तो हम उसको रखेंगे पेशेंट इन्फो। इस तरह से जो है वो मीनिंगफुल नाम जो है वो रखने चाहिए। ये बेसिक डेफिनेशन है फील्ड की, रिकॉर्ड की और फाइल की, ये इसको हम बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए इस पे जो है वो मजीद टाइम नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे अबव मेंशन रिकॉर्ड कैन बी शोन एज इट वुड अपेयर ऑन द हार्ड डिस्क, यानी ये जो आपको नजर आ रहा है ये रिकॉर्ड, ये इस तरीके से हार्ड डिस्क के ऊपर सेव होता है। एक्चुअली ऑल द डेटा विल बी सेव्ड ऑन टू द हार्ड डिस्क एज अ कम्बिनेशन ऑफ जीरोज एंड वन, और ये एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हमें ऑलरेडी पता है कि जो हार्ड डिस्क के ऊपर डेटा सेव होता है वो बाइनरी नंबर्स में होता है, और बाइनरी नंबर्स जो है वो क्या होते हैं, वो जीरोज एंड वंस की सूरत में होते हैं, और ये क्या होती है, मशीन लैंग्वेज होती है। ईच फील्ड विल बी ऑक्यूपाई द स्पेस एज वुड बी एलोकेटेड एट द टाइम ऑफ इट्स डेफिनेशन, और हर फील्ड जो है वो एक स्पेस एलोकेशन उसको बाकायदा होती है, ऑक्यूपाई वो करती है हार्ड डिस्क के ऊपर जो हम उसकी डेफिनेशन रखेंगे। डेफिनेशन से क्या मुराद है,
जो भी हम वेरिएबल रख रहे हैं, जो भी डेटा फील्ड है, उसकी जाहिर है टाइप एक होती है जी। उस टाइप को क्या हम कहते हैं, जैसे इंटीजर टाइप होती है। अब ये जो आपका एम्प्लॉय नंबर है यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर, ये इंटीजर टाइप का है, लेकिन ये जो नेम है ये करेक्टर टाइप का है। जाहिर है नेम के अंदर इंटीजर तो नहीं आ सकते इस तरह से 0 से लेकर 9 तक, और ना ही इसके अंदर कम्बिनेशन हो सकता है करेक्टर्स का। इसी तरह से जो है ये 1/4 जो है ये क्या है, ये 1/4 इसमें क्या था जी, ग्रेड था उसका। देखिए 1/4 जो है ये एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल होगा। इसी तरह से ये तमाम जितने भी फील्ड्स होती हैं सबका एक जो है वो टाइप होती है डेटा की, कि इस फील्ड के अंदर किस तरह का जो है वो डेटा स्टोर होगा, राइट। तो अब इसमें जो है वो इंटीजर टाइप, इसमें करेक्टर टाइप, इसमें फ्लोट टाइप, इस तरह से सबका जो है वो डिफरेंट डाटा टाइप होगी। और उसकी डेफिनेशन जो हम उसको डिफाइन कर देंगे कि ये नेम जो है वो करेक्टर टाइप का होगा, तो वो उसकी डेफिनेशन कहलाएगी। तो इस लिहाज से जो है वो हार्ड डिस्क के ऊपर डाटा सेव होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डाटा को हैंडल कैसे किया जाता है। रिकॉर्ड लेआउट्स आर प्रॉपरली डिफाइंड इन द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ईच फील्ड इज गिवन अ फिक्स्ड और वेरिएबल लेंथ सीक्वेंस ऑफ द बाइट्स एंड दे आर पुट टुगेदर कॉन्टिजियसली इन फिक्स्ड और वेरिएबल लेंथ कलेक्शन कॉल्ड रिकॉर्ड्स। अब ये आपकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन है हार्ड डिस्क के ऊपर इस डेटा को सेव करने की, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। जैसे अभी हमने इंटीजर करेक्टर वगैरह की बात की है, तो ये देखेंगे एम्प्लॉय नंबर जो है ये इंटीजर टाइप का लिया हुआ है और ये 4 bytes लेता है। उसकी हमने डेफिनेशन क्या थी, क्या की थी कि एम्प्लॉय नंबर जो है वो इंटीजर टाइप का होगा। तो जाहिर है जब हमने उसको इंटीजर टाइप का डिफाइन किया, तो इंटीजर टाइप की जो फिक्स लेंथ होती है वो 4 bytes होती है। तो वो जो है ये 4 bytes लेगा एम्प्लॉय नंबर, और एम्प्लॉय नेम जो है वो 25 bytes लेगा। और उसके बाद जो है ये जो ग्रेड है वो क्या लेगा, वो 3 bytes, सीनियर मैनेजर ये 15 bytes, और ये क्या है, ये उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ये भी 15 bytes, और ये उसका जो है वो क्वालिफिकेशन वो 8 bytes लेगा। ठीक है जी, ये फील्ड लेंथ है, यानी इनकी फील्ड की लेंथ क्या होगी, कितने नंबर ऑफ करेक्टर और डिजिट जो है वो आप दे सकते हैं, ये बाइट्स में उसने बताया, और ये स्टार्टिंग एड्रेस उसका बताया हुआ है, ये 1, ये 5, यानी ये 4 bytes अगर लेगा तो ये पहली बाइट यहाँ से स्टार्ट होगी और 4 byte के बाद वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से जो है वो बाइट नंबर 5 स्टार्ट हो जाएगी। अब इसने कितने लेने थे, 25 bytes, और 5 + 25 = 30, तो ये जो नेक्स्ट है इसका एड्रेस क्या होगा, 30 होगा, और फिर उसके बाद 3 bytes इसका 33 पे आ जाएगा, उसके बाद ये 15 bytes लेगा तो ये 48 पे, ये नेक्स्ट भी 15 लेगा तो ये 63, ये इसके स्टार्टिंग एड्रेस होगा। और उसके अंदर जितनी बाइट्स उसने लेनी है वो जो है वो एक एक करेक्टर या एक एक डिजिट जो है वो एक एक बिट के ऊपर आता जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं 1 byte = 8 bit, तो इसमें अब 4 bytes के अंदर कितनी बिट्स होंगी, 8 × 4 = 32, यानी 32 bits होंगी। आप इसके अंदर 32 digit एंटर कर सकते हैं इस एम्प्लॉय नंबर के अंदर, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, दस द फील्ड नेम्स आर यूज ओनली as the name reference within the program using them, their values flows with them as the contents of the memory spaces. जो फील्ड के नाम है वो यूज होते हैं ओनली नेम रेफरेंस के तौर पर, यानी जब भी हम इसकी वैल्यू को रीड करने की या राइट करने की कोशिश करते हैं फाइल के अंदर, तो हम उसको इसी नेम के साथ जो है वो रेफर करते हैं, रेफरेंस किया जाता है प्रोग्राम के अंदर, और उसकी जो वैल्यूज है वो फ्लोज होती हैं इसी नाम के साथ, विद देम एज द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी स्पेसेस दे आर ऑक्यूपाइंग, और जो भी वो इसके जो कॉन्टेंट है वो कैसे हम एक्सेस करते हैं उसकी मेमोरी लोकेशन से, जो कि यहाँ पे बताई गई है, जैसे इसकी 1, 5, 33 एंड सो ऑन। हमारा पहला लेक्चर क्लास 12th के लिए ICS पार्ट 2 के लिए यूनिट नंबर 2 का। यूनिट नंबर 1 जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ऑलरेडी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। पहले चैप्टर के अलावा जो है वो आपको बताती चलूँ कि एक्सरसाइज सॉल्व भी जो है वो अपलोड हो चुकी है यूनिट नंबर 1 की। तो 9th लेक्चर जो है वो यूनिट नंबर 2 का पहला लेक्चर है, और इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ और आई बटन में भी दे देती हूँ। अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपके जो है कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी और टॉपिक जिसमें आपको कन्फ्यूजन है वो आप हमें बताएं, हम आपको इसका सोल्यूशन जो है वो एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।